अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें जनाब, ये देखें सर अरोड़ साहब क्या कर रहे हैं। सर अरोड़ साहब स्मोकर रेडी कर रहे हैं क्योंकि एपस फ्लोरिया का हनी हंट करने वाले हैं। मुझे इनको देखकर याद आया यार, मेरे जिस जगह पे मैंने बेनियाँ लगाई हैं वहाँ पर तो शहद की मक्खियाँ बैठी हैं यार, मैंने तो शहद ही नहीं उतारा। तो अभी मैं भी स्मोकर रेडी करता हूँ, जाके फटाफट शहद उतारता हूँ, ठीक है जी। तो सर अरोड़ साहब की तरफ देख कर मुझे भी आज शहद उतारने का शौक़ हुआ है, तो शुरू करते हैं जी। और आपको दिखाता हूँ किस तरह से चीज़ें रेडी करनी है। तो रेडी करके फटाफट जनाब जाते हैं और शायद किसी कर लेते हैं जी। सबसे पहले तो हमें एक कटर चाहिए, तो ये पेपर कटर है, ये गार्डन कटर है, दो कटर हमने ले लिए हैं क्योंकि सिटेनियाँ काट के हम आगे जाएंगे। और स्मोकर है, ये मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, तो इसको रेडी कर लेंगे, ठीक है जी। ये मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ जब ज़रूरत नहीं होती। तो इसके अंदर जितनी भी गत्ता वगैरह जो भी होता है वो जो है ना वो ख़त्म नहीं होता, मैं दोबारा उसको यूज़ कर लेता। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये इसके अंदर देखें अभी भी मौजूद है कतार जी, ज़बरदस्त मौजूद है। मैं इससे धुआं बना सकता हूँ, बस इसको मैं यूँ रखूँगा और इस पर माचिस से थोड़ी आग लगा देता हूँ, बस हो गया काम समझो। थोड़ी सी भी आग लग गई उससे बस काम चल जाना है हमारा। और ये बस इतना ही ज़रूरत है, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ। और ये आग लग गई, इसको भाई धुआं आना शुरू हो गया, नज़र देख रही, ये थोड़े थोड़े धुएं से ही जनाब काफ़ी हो जाना है इसका। तो अब चलते हैं जनाब वहाँ पर जहाँ पर हमने शहद कशी करनी है। ये देखिए मैंने बस थोड़ी सी आग लगाई है और ये शुरू हो गया है, ठीक है जी। तो मेरे वहाँ पर जाते हुए जगह पर ये काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसको बंद कर लेते हैं, अगर मैंने बंद नहीं किया तो ये जल्दी जल्दी यहाँ पर भी ख़त्म हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं जी जहाँ पर एपिसोड का हाईवे है। दोस्तों ये देख लें, ज़बरदस्त किस्मत धुआँ तैयार हो गया मेरे आते आते, और वो आगे काफ़ी आगे झाड़ियों के अंदर है। ये कीकर काट काट कर मुझे आगे जाना पड़ेगा, तो पहले मैं थोड़ा रास्ता बना लेता हूँ। दोस्तों ये देख लें, बिल्कुल मैंने धुआं दिया, सारी बीज भाग गई हैं, कुछ चंद एक बीज बैठी हुई हैं यहाँ पर। तो देखें किस तरह से दीवार पर लगा हुआ है, तो बिल्कुल छत्ता काला हो गया है। अब मैं छत्ता हटा दूंगा क्योंकि इसमें माइट्स भी बहुत ज़्यादा होंगी। दोस्तों मक्खी का ब्रूड बिल्कुल ज़ाहिर नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें ब्रूड नहीं है, मक्खियों ने काफ़ी क्वींसल बनाए हैं। ये देखें इस मक्खी पर माइट्स ने अटैक किया, पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, माइट्स भी आप लोग को नज़र आ रही होंगी इसके अंदर। और ये देखें क्वींसल हैं, सब ओपन हो गए हैं, यहाँ से क्वींस बाहर चली हैं, इसे हाई से स्वार्म्स हो रहे हैं। तो ये देखें किस तरह से माइट्स ने मक्खी के बिल्कुल पर खा लिए हैं। अगर ऐसी हाल तो आपको ब्रूड हटा देना चाहिए ताकि मक्खियाँ दोबारा नई जगह बनाएं और साफ़ सुथरी माइट से साफ़ सुथरी रहें। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भी बीज ने जो है ना शहद वाली जगह बना दी थी, इस तरह भी देखिए, और ये सारी जगह ये ड्रोन सेल जा रही है, यहाँ पर ड्रोन्स रहते हैं। और ये वर्कर्स की जगह जो बिल्कुल खाली है, ठीक है जी। और ये क्वीन सेल्स हैं, देखा एक ही कॉम पर एफएस फ्लोरिया के क्वीन सेल भी आपको नज़र आ गए और ड्रोन सेल भी आपको नज़र आ गए और वर्कर ब्रूड भी आपको नज़र आ गए। हालांकि इसमें ब्रूड बिल्कुल ख़त्म हुआ है, बीज भागने वाली हैं। और यहाँ पर देखो शहद डाला हुआ है बीज ने, और ये शहद जो है जो ओरिजिनल जगह होती है जहाँ पर शहद जमा होता है, ये वो मैंने हासिल किया है। इसके अंदर शहद माशाल्लाह है बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, क्या बात है। दोस्तों एपिसोलोरिया से शहद हासिल कर लिया है, तो अभी खा के देखते हैं जायका कैसा है यार इसका। वाह भाई वाह, वेरी नाइस, ये है ज़बरदस्त चीज़ यार। तो अब मैं इसको खाता हूँ, बड़ा दिल कर रहा है खाने को कसम से। बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जायका है यार, क्या ही बात है, मज़ा आ गया कसम से। दोस्तों अब हम आ जाते हैं सर अरोड़ साहब की तरफ। देखिए ये प्लेट और छुरी पड़ी हुई है, ये इसलिए इन्होंने रखी हुई है ताकि हनी हंट करने के दौरान हम मक्खियों का ब्रूड बिल्कुल ज़ाया ना करें, ठीक है जी। तो मैंने ब्रूड उतार दिया है, लेकिन आपने ब्रूड नहीं उतारना। मैंने क्यों उतारा है और आपने क्यों नहीं उतारना? आपने इसलिए नहीं उतारना कि ब्रूड
बच्चे हैं मक्खियों के, अगर बच्चे ज़ाय हो जाएंगे तो अगली नस्ल ख़त्म हो जाएगी, मक्खियों की तादाद कम हो जाएगी, आपके इलाके में मक्खियाँ नहीं रहेंगी और आप मज़ीद कहाँ से शहद लाएंगे। तो आप अपना नुकसान ना करें, मक्खियों का भी नुकसान ना करें। मैंने इसलिए ब्रूड उतारा है क्योंकि उस ब्रूड में बिल्कुल बच्चे नहीं हैं, और हत्ता कि उसमें ड्रोन ब्रूड भी नहीं है और क्वीन सेल बने हुए हैं। क्वीन सेल तब बनते हैं जब जो बीज हैं वो स्वार्म करना शुरू करती हैं, एक हाइव से कई हाइव बन जाते हैं। ये मेरे वहाँ पर जो मैंने बाड़ लगाई हुई थी उसके अंदर बैठी हुई थी, किसी की ज़रूरत नहीं वहाँ दाखिल होने की, तो बड़े आराम से बैठी हुई थी वहाँ पर, और इन्होंने वहाँ से क्वीन सेल बनाए हैं, बहुत सारे क्वीन सेल जैसा कि आपने देखे भी हैं वीडियो में, तो वहाँ से कई क्वींस निकली हैं और हो सकता है कई स्वार्म हुए हैं। और मैंने देखा है कि जो छत्ता है बहुत ज़्यादा खाली हो गया, तो अब मैंने सोचा चलो इससे शहद निकाल लेते हैं क्योंकि ये बीज अब जाने वाली हैं। तो आपने देखा कि इसमें माइट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने ये इसलिए उतार दिया क्योंकि पुराना हो गया, वैसे ही बीज इसको छोड़ के जाने वाली हैं और इसमें ब्रूड भी नहीं है और माइट्स भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने इसलिए उतारा ताकि जल्दी जल्दी बीज यहाँ से चली जाएँ और नई जगह पर बेहतरीन शहद जमा करें। लेकिन आपने बिल्कुल ब्रूड नहीं उतारना सर, अरवर साहब की तरह बिल्कुल ब्रूड नहीं उतारना। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम।